ये लाइव इसलिए आया हो क्योंकि शायद से मुझे इसलिए चुना गया है, खुदा ने मुझे इसलिए चुना गया है कि भाई मैं उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनूं जो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास पीआर प्रमोशन करने के लिए लोग नहीं है या कॉन्टैक्ट्स नहीं है या फिर पैसे नहीं है। जो आर्टिस्ट ऐसा सोचते हैं, जो जो सोचते हैं कि पीआर प्रमोशन करने के बाद ही हम बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं, अदरवाइज हमारे गाने चलेंगे नहीं चलेंगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं उन आर्टिस्टों के लिए एमिवे बनता है। और जो लोग सोचते हैं कि लेबल साइन हो जाऊंगा तो ही मैं बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, तभी मेरे आर्ट दिखाई देगा, उन लोगों के लिए एमिवे बनता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बस एक एग्जांपल में एक इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए बनना चाहता हूँ कि भाई बिना पैसा लगाए, बिना पीआर प्रमोशन, बिना कहीं पे यूट्यूब पे पैसा लगाए, बिना एड लगाए, बिना कुछ किए, अपन फिर भी अपने आर्ट से अपन अपनी ज़िंदगी को जीत सकते। तो मैं जीत रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स और आप लोगों का प्यार, बंडाई पब्लिक का प्यार की वजह से अपन जीत रहे ले। और एक ये मेरे मेरा मानना ये है कि आर्ट आर्ट बहुत ज़्यादा लाउड बात करता है, बोले आर्ट की आवाज़ बहुत होती है, आर्ट स्पीक्स लाउडर देन एवरीथिंग, बोले क्या बोलते, आर्ट अगर तुम्हारे आर्ट में दम है तो कोई पीआर प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक। अगर तुम कितना भी एड लगाओ, वो भी एक रास्ता है जो करते हैं, उनके लिए मैं गलत नहीं बोलूँगा, वो बहुत सही है जो कर रहे हैं, पीआर कर रहे हैं या फिर एड्स लगा रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कभी मैं भी वो तरीके से दिखाऊंगा पब्लिक को कि अगर मैं करूँगा तो कैसा दिखेगा वो चीज़, मैं करूँगा इन फ्यूचर अगर करूँगा तो। बट लेकिन अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई अभी बिना प्रमोशन के, बिना पीआर के, बिना कुछ चीज़ किए अपन कैसे ऑर्गेनिकली नंबर्स हिट कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी क्या बोलती है, कंपनी अभी 46 मिलियन प्लस हो चुके हैं ऑलरेडी व्यूज़, और 4 मिलियन प्लस इंस्टा रील्स, 4 मिलियन प्लस इंस्टाग्राम पे रील्स हो गए। आई थिंक इंडिया का नंबर वन सॉन्ग हो चुका है कंपनी जो इतना ज़्यादा रील्स बनाए, आई थिंक, इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे बताओ, बट मेरे को जितना खबर है, जितना मेरे को मालूम है, 4 मिलियन प्लस, इंडिया छोड़ो, मेरे को लगता है वर्ल्ड वाइड ग्लोबल में ये नंबर वन सॉन्ग हो गया इंस्टा रील्स पे, 4 मिलियन प्लस एट द मोमेंट, इस टाइम की बात करो, प्रेजेंट टाइम की। अगर कोई और है ज़्यादा तो ब्लेसिंग्स और माशाल्लाह अच्छी बात है, बट लेकिन मेरे को जितना दिख रहा है, तो मेरे को ये कहना है कि भाई मेरे को भी सजेशंस आते हैं कि आप पीआर लगाओ, लोगों को रील्स बनाने बोलो, बट मेरे को लगता है जब आपके आर्ट में दम है, आपके आर्ट में आवाज़ है, आपके आर्ट में जब वजन है, तो हर कोई रील बनाएगा, हर कोई गाना शेयर करेगा। अपने मज़े के लिए गाने बनाओ, अपने आर्ट पे बिलीव रखो पब्लिक, क्योंकि कोई बड़ा पहचान की ज़रूरत नहीं है, कुछ बड़ा होने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम बड़े हो तो ही तुम आगे बड़े हो, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है भाई। म्यूज़िक बनाया, मोहब्बत किया म्यूज़िक से, वाइब कर रहे, मेरे को पसंद आ रहा है और अपने लोगों को, आसपास के लोगों को पसंद आ रहा है, बस नेट पे डालते जाओ, तो प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं है भाई तुम्हें, कुछ पब्लिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि वरना लेबल्स की सुनो या फिर लोगों की सुनो, वरना टीम की सुनो, पीआर एजेंसीज कितना पैसा ले लेते पता है, लाइक अगर इवन ये जो मार्केट की इतनी सारी स्टोरीज है मैं बताने जाऊँगा तो आप लोग बोलेंगे ऐसा शॉर्ट है क्या, क्योंकि अपने को मालूम है अपने इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ों को झाँक के बैठे ले कि क्या सीन है, कैसा इंडस्ट्री का गेम, क्या सीन है। तो अपन भाई अपन खुद ही इंडस्ट्री है, अपन खुद ही सारा मार्केट है, और इंडिपेंडेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे चुना है कि ये रास्ता मैं सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्टों के लिए दिखा सकूँ कि भाई इतना ज़्यादा प्यार। बंडाई की को पहले बात बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू सो मच दिल से प्यार बाबा, क्योंकि आप लोग हो करके अपन है, और आप लोगों का प्यार इज़ इनसेन, 4 मिलियन तक ऑलमोस्ट होने आए हैं अपन व्यूज़, और इतना सारा प्यार मिला है तो खतरनाक लाइक्स, खतरनाक कमेंट्स, सबकी कमेंट भी रिप्लाई कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, और व्यूज़ ऑलरेडी 4 मिलियन तक टच हो रहा है, और कंपनी में तो बहुत प्यार मिला है, रील्स मारते जाओ मचाते जाओ, क्योंकि कंपनी का 100 मिलियन होने के बाद भी कुछ सरप्राइज़ दे सकता हूँ मैं कंपनी के वाइब के हिसाब से, क्या बोलते। तो ये एक सीन है, और पहले भी बोल चुका हूँ क्योंकि मैं खुद ही एक लेबल हूँ, तू टाटा स्काई तो फिर छोटे में केबल हूँ, हाँ चल तो क्या बोलते, सरस है बाबा। बाकी अलहमदिल्ला मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदा फील करता हूँ पब्लिक की वजह से, और खतरनाक प्यार मिल रहा है सीन चेंज गाने के लिए को लेके। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि सीन चेंज जो गाना है वो गाना काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इमरान खान वाइब्स एंड ऑल ये वो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इमरान खान जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, एक टाइम पे अपन उनके गाने सुनने के,
और उनका साउंड सुनने गए। और वो टाइम पे लाइक इमरान खान जो साउंड लेके आए थे वो साउंड फटे फ्रेश और न्यू साउंड था, और वो बहुत बड़ा साउंड था, है ना। एंड वो साउंड से ऑब्वियसली बात है ये गाना इंस्पायर्ड है उस वाइब से लेके, क्योंकि दैट इज़ इमरान खान साउंड, जो काइंड ऑफ म्यूजिक और जिस काइंड ऑफ फ्लो में यू नो जाना रहता है। क्यों बनाया मैंने ऐसा, क्योंकि वो गाना मैं बना के मैं इमरान खान को ही भेज रहा था, उनको ही भेजा, सिंस मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। एंड ये गाना मैं उनके साथ ही बनाने वाला था, बट हम दोनों का गाना अगर साथ में बाहर निकलता तो टाइम लग जाता, क्योंकि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी है और मैं भी चीज़ों में बिजी, और मैं इसको डिले नहीं करना चाह रहा था। भाई बोल रहे थे कि चलो थोड़ा टाइम बाद निकालेंगे इसको, सही टाइम पे शूट करेंगे, बट मेरे को लगा कि ये गाने को जल्दी बाहर आ जाना चाहिए। तो इन फ्यूचर उनके साथ यू नो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह इमरान खान, उनके साथ इंशाल्लाह इन फ्यूचर कुछ करेंगे। बट यस, जो भी ये बोल रहे कि वैसा साउंड करा ऐसा कर रहा, अबे नल्ले पहले चेक कर, इंस्पिरेशन है बोले ना अपन समझ में ले, भेजे में डाल पाया परेशान लोग बोलते, अरे भाई ऐसा है वैसा है, कितना एड़े लोग है बे तुम लोग, मैं बता दे लो कि क्या वाइब है। जितने भी परेशान लोग हैं वो लोग को जवाब मिल गया, बाकी साउंड एकदम फ्रेश और नया दिए लो, बंटाई का मिक्सचर मिला के दिए लो, वहाँ से इंस्पायर होके वाइब लेके अगर उनके साथ आते तो फर्स्ट श्योर पब्लिक को बहुत मज़ा आता है ना, कि देख के इमरान खान आ रहे मी हुए बंटा एक फ्रेम में, बट लेकिन इन फ्यूचर अपन करेंगे। बट एट द मोमेंट मेरे को लगा ये गाने को और रुका नहीं सकता मैं, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि भाई अपन ये गाने को रिलीज़ कर देते हैं, इन फ्यूचर अपन कुछ और बनाएंगे। बट यस, सीन चेंज का तुम लोगों ने सीन चेंज कर दिया, प्यार दे दिले, मचा दिले, बहुत सारा व्यूज़, बहुत सारा प्यार, और क्या ही बोलूँ पब्लिक, थैंक यू सो मच, दिल से प्यार। जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं सबको हक है, और मैं जानता हूँ सब लोग के ओ टी एस मेरे एल्बम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, किंग ऑफ द स्ट्रीट्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इस एल्बम को मैं मेरे हिसाब से निकालना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही चाहिए कि लाइक है ना, ये इंडिपेंडेंट तो अपने हिसाब से करते हैं अपन, क्या इस एल्बम को भी अपने हिसाब से डालेंगे अपन, जैसा मेरे को रिलीज़ करने का है, मैं जो वाइब में बैठा हूँ। तो कंपनी जो गाना है मैं बता देता, वो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम का एक हिस्सा था, वो गाना किंग ऑफ द स्ट्रीट्स के एल्बम का ही पार्ट है, जिसको मैंने पहले निकाल दिया था कि वो थोड़ा वाइब फैल जावे। और क्या बोलते हैं, मैं टीजर तो बहुत पहले डाल दिया था, इंट्रो डाल दिया था, अब बाकी का किंग ऑफ द स्ट्रीट्स का अनाउंसमेंट मैं आज करता हूँ, कि लाइक यू नो मेरे को लगता है अभी सीन चेंज बजा दिया लो, अब रमज़ान महीना आ रहा है इसमें थोड़ा गैप लेंगे, फिर ईद पे किंग ऑफ द स्ट्रीट्स का ट्रैक ड्रॉप करके अपन KOTS चालू करते, क्या बोलते, सब लोग तैयार है कि नहीं। हक है बाबा, हक है, कमेंट जो भी करे उनको बहुत सारा प्यार है कंपनी बेस्ट कमर्शियल सॉन्ग देंगे ना, देंगे ना, और भी वाइब है किंग ऑफ द स्ट्रीट्स में, और भी वाइब मिलेंगे तुम लोगों को। बाकी यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच पब्लिक सीन चेंज के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड स्पेशली फॉर द रील्स, जितने भी लोग रील्स बना रहे हैं हक है बाबा तुम लोगों को, रिस्पेक्ट एंड लव, मैं हमेशा शेयर करता रहूँगा, जो भी मेरे नज़र में आ रहा है मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। रील बनाते जाओ, सारी रील कम्युनिटी को शार्ट आउट, मच लव एंड ब्लेसिंग्स, एंड शार्ट टू ऑल द पीपल हु कॉमेंट ऑन माई म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर, उनको शार्ट आउट एंड ब्लेसिंग्स, और जितने भी लोग अपने को प्यार देते सबको शार्ट आउट एंड ब्लेसिंग्स। तो अच्छा काम करते जाओ, और जितने भी लोग इंडिपेंडेंट है सुनो, बनाओ गाना डालो, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है बाबा, आर्ट बोलता है बाबा, आर्ट आर्ट भारी है तो दुनिया देखेंगी तुम्हारे आर्ट को, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस म्यूज़िक बनाओ, जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में बनाओ डालो। बाकी आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच पब्लिक, बहुत सारा प्यार, अगले सेशन में मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल रखे, गॉड इज़ ग्रेट, इज़ द ग्रेटेस्ट, एंड आई एम ग्रेटफुल ऑलवेज, एंड थैंक्स टू माई फैंस, बंटाई की पब्लिक, बोले तो तकलीफ़, EB कंपनी मालूम है ना कैसी है, क्या बोलते लाला, होश में है कि नहीं सब लोग, फिर जो होश में नहीं आ रहे जरा होश में आ जाओ, है कि नहीं, समझो बात को, म्यूजिक का वाइब लो, और अभी के आज के एरा में मैंने जो साउंड दिया हो, भले से इट्स इंस्पिरेशन बाय समवन, बट लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अपना साउंड को भी मिला के दिया हो, तो सुनो वाइब करो मचाओ, बहुत सारे वाइब्स आ रहे ले, ख्याल रखो, हाँ होश में, क्या बोलते कंपनी कमारे ले बहुत मनी, बजा दो क्या एक बार कंपनी सुनने का तुम लोगों कंपनी सुना के चलते, चलो कंपनी, इनको लग रहा शाने बन रहे, अगले लग रहे बहुत फनी है, आपा चले मत कर ये कोटा, आप चले मत करो रे Say hello to Parallels Desktop, optimized for the yes, क्या बोलते कंपनी,
हाँ उसमें एक ही नहीं सब लोग इधर पे क्या शॉट